टूडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में अश्लीलता चरम सीमा पर है। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं और इस वीडियो में पत्रकारों की औकात दिखाने वाली एक गायिका क्या कह गई पत्रकारों के बारे में। धन्य वो पत्रकार भाई जो ऐसे कलाकारों को अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस वीडियो को सुने और ध्यान दें और दूसरे पत्रकार भाई को भी अवगत कराएं। आप सभी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है तो ऐसे एक्टरों गायिकाओं को न्यूज के माध्यम से हाईलाइट करने का प्रयास न करें। एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। एक इंडस्ट्री में नई नई लड़की आई है, मतलब आप लोग देख ही होंगे कि गंदे गंदे गाने गाती हैं, तो जो कि मतलब सुनने लायक तो नहीं होता है उनका गाना, बट कुछ जो दो कौड़ी के बोलेंगे हम मीडिया वाले होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस इसी नाम वो लड़का पवन सिंह के कॉल रिकॉर्डिंग वे वायरल हो गई बा, तेकरा से समझ में आ गई कि वो का हो है बारे में हम कहीं भी कुछ भी बोलल पसंद ना करीना, लेकिन अगर ये अजगर के मुंह में उंगली डाली तो फिर केहू ना छोड़ी हम कौना खेत के मुरई आई। हमार इतना गंदा गंदा आदमी संग कलंक लगैले बिया ना जेकरा के हम अपन भाई मानी ना, तो हो सकत है कि एकरो एकर भाई के संगे रिश्ता हो खस, कोनो बड़ बात नहीं है। मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में, उसके बारे में बोलना शायद मेरी जबान पे उसका नाम आएगा तो शायद मुझे ब्रश करना पड़ जाएगा इतना गंदा है उसका जो भी है, तो मैं गलत चीज़ों का नाम नहीं लूँगी। वो गाना बहुत ज़्यादा कलाकारों का नाम यूज करती है, अब जान ही रहे हैं आजकल लोग एक लड़की है जो गाना गाती है किसी के बारे में गा देती है। काजल रघवानी को बोल रही थी कि बुढ़िया है ढोंड़ी खोदवाती है, अरे तुम्हारा औकात है रे कि तुम काजल रघवानी बन जाएगी। वो काजल रघवानी है, उसका हिट हिट गाना है भोजपुरी में, एक लेवल पर बैठी है। खुलेआम तुम बोलती हो कि तुम किस सब सो के आई, तो यानी कि तुम भी सो के आई हो, तुम किसी का सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? हाँ नहीं बोला जाए ना जितना की चला जाने लू कि ना लोग जाने लू लोग कहला ये न्यूज नहीं के चलत ना, तो ताने जाके इंटरव्यू ले लिया न्यूज चल जाई ताने जा चीज ही ठीक बा। तारा में अगर गरिमा बना तो तू अपना गरिमा के बचा के रख, हमारा से बोलने से ज्यादा बेहतर हुई ना कि तू अपना पर फोकस कर ला तनी गो। हमारा बारे में आके लाइव में उल्टा सीधा कह तड़ू कि हमारे संस्कार के तोहरा में उतना कैपेसिटी नहीं कि बेटा जी कि तू हमारे संस्कार के पता लगा सक, ठीक बा ना? तोरा बारे में हम कहा ना जानी ना रे, ऐसा एगो बात बताओ ना ये आप बोल रहे हो कि मैं इस कैरेक्टर की हूँ उस कैरेक्टर, कोई बात नहीं है तो क्या कर लोगे आप? शादी का रिश्ता करवाना है क्या, शादी करवानी है? नहीं ना, तुम मेरे बारे में मत बोलो बहन। मैंने किसी मीडिया ने मुझे पूछा था इस लड़की के बारे में, मैंने बोला था कि मेरे लेवल की नहीं है, मेरे लेवल से बहुत ऊपर है वो, तो जो मेरे लेबल का रहेगा उसके बारे में ना बात करेंगे भाई, आप ही बताइए क्या गलत बोले इसमें। उसके बाद तो जैसी तमतमा गई मैडम, दम मतलब पिछवाड़े में आग लग गया उनके इतनी सी बात पे, अरे बाप रे बाप। बोलती है कि इतना दिन से क्या उखाड़ लिया उसने, कुछ नहीं। अगर उखाड़ना होता ना जैसे आप बोलती हैं कि मैं लड़के बदलती हूँ, बोल रही थी कि शायद पवन पांडे, तो कभी छोटू छलिया, तो कभी अभिषेक गोलू, किसका किसका पता नहीं नाम ले रही थी वो लड़की। उम्र से तो इंडस्ट्री में बड़े 12 साल की उम्र से तुम इंडस्ट्री में हो, तुमको कुछ नहीं हुआ होगा अभी तक, याद नहीं है कि 6 महीना का छोटू छलिया का बच्चा खत्म की हो, याद नहीं है? भुला गई क्या बेटा, काहे मेरे मुंह में उंगली कर रही हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अहिरान को गाली देती हो, भगवान को गाली देती हो, जब अहिरान का खा रही थी तब अहिरान तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे, और आज जब अहिरान मतलब तुमको छोड़ दिए हैं तो तुमको क्या लगता है
या ईरान खराब हो गए? अरे जानता तुम्हारे बारे में सब कोई है बेटा जी, लेकिन कोई छोटू छलिया भैया की इज्जत करता है इसलिए वो नहीं बोलता है बेटा जी, समझी? कोई छोटू छलिया की इज्जत करता है इसलिए वो कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलना चाहता है, मालूम है ना बेटे जी? उतना ही बोला कीजिए ना किसी को जितना सामने वाले को बर्दाश्त हो जाए,